ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इसी साल अप्रैल के महीने में अंकित पाटिल नाम के नौजवान की शिलफाटा परिसर में बुरहानी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर दाऊद खान ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से अंकित पाटिल की मौत हो गई थी। अंकित पाटिल भी शिलफाटा परिसर का रहने वाला था। अंकित पाटिल की मौत से हड़कंप मच गया था कि आखिर एक नौजवान जिसकी शादी करीब 10 दिन बाद होने वाली थी, डॉक्टर दाऊद खान ने उसे कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर दाऊद खान के खिलाफ डायघर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। डायघर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर रविकांत मालेकर ने अंकित पाटिल की मौत पर गंभीरता से जांच की और कल डॉक्टर दाऊद खान को गिरफ्तार कर लिया है। रविकांत मालेकर ने बताया है कि डॉक्टर दाऊद खान एक यूनानी डॉक्टर होने के बावजूद एलोपैथिक दवाएँ दे रहे थे। अंकित पाटिल जो सिर्फ दर्द की दवा लेने गया था, उसे डॉक्टर दाऊद खान ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 इंजेक्शन लगाया। पहला इंजेक्शन डेक्सा 2 ml, दूसरा इंजेक्शन लगाया डेरीफाइलिन 2 ml, तीसरा इंजेक्शन पेन 40 देने के बाद रेनिटाइडिन इंजेक्शन भी दिया, जिसके बाद अंकित पाटिल की तबीयत और बिगड़ने लगी। हाथ पैर में अकड़न होने लगी, जिसके बाद उसे कालशेखर अस्पताल लाया गया। यहां हर संभव उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अंकित पाटिल की मौत हो गई। इस पर जब गंभीरता से जांच हुई तो दाऊद खान दोषी पाया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद परिवार का क्या कहना है? जो डॉक्टर दाऊद खान है शिलफाटा के, इनके चलते हुए इन्होंने जो निग्लिजेंस दिखाया, और जो डॉक्टर है यूनानी डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर होने के बावजूद वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। BUMS डॉक्टर होने के नाते उनको यह अधिकार ही नहीं प्राप्त होता कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करें, उसके चलते उनका निग्लिजेंस से, उन्होंने गलत ट्रीटमेंट देने से हमारे भांजे की मौत हो गई थी। इस मैटर में हमने डायगर पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ सीनियर पुलिस निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, जो मालेकर साहब नाम है जिनका, इन्होंने पूरी दिल से उन्होंने इसका इस मैटर में छानबीन की, इंक्वायरी की, उनके तह तक गए और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इनको ये मैटर को इंक्वायरी किया कि आज उसके फलस्वरूप दाऊद खान आज जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है। इस मैटर में उनका जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे उतना कम है। डायगर पुलिस स्टेशन ने हमको बहुत ज़्यादा सहकार्य किया और अच्छे हमको न्याय दिया है। बहुत दिन से टेंशन में थे कि हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डॉक्टर था और हमने सुना था कि बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से संतुष्ट है। इस मैटर में सिल डायगर के जो सीनियर इंस्पेक्टर है मालेकर साहब, पूरी अच्छी तरीके से हमको तसल्ली हुई है, हम पूरे सेटिस्फाइड है उनके इंक्वायरी से और हम उनके शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही साथ इस मैटर में हमको जो हमारे MP है, खासदार साहब जो श्रीकांत शिंदे साहब है, और एक डिप्टी मेयर है रमाकांत मडवी साहब, और अनंत तरे साहब, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया है इस मैटर में। हमने जब भी उनको हमने मदद मांगी वो तुरंत वहाँ हाजिर हुए। हमारी जो कमेटी है अग्री समाज, उन्होंने सबने हमको इस मैटर में सहयोग दिया। लेकिन हम सिल डायगर के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है मालेकर साहब, इन्होंने जो एक शब्द दिया था हमको कि मैं इसकी छान तह तक जाऊंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा, वो उन्होंने सच करके दिखाया है, फिर से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल डायगर पुलिस स्टेशन ने दाऊद खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 महाराष्ट्र औषध नियंत्रण अधिनियम 25 के तहत मामला दर्ज कर डॉक्टर दाऊद खान को कोर्ट में पेश किया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।